एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बीएसबी में। आज हम लोग कक्षा 10th का पूरा सॉल्व करने वाले हैं हिसाब, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एलसीएम हमको निकालना है। तो सबसे पहले जान लेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैं सिंपली उदाहरण देके समझा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ से देख लीजिए। यहाँ पे सिंपली इसको क्या बोला जाता है, भाज्य, इसको भाजक, इसको भागफल, इसको नीचे में क्या बोला जाएगा, शेष। तो इसको ए लिखते हैं, संकेत में इसको ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं, इसको क्यू लिखते हैं, इसको आर लिखते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से सूत्र जो बनता है इसका क्या बनता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये इसका सूत्र होता है। यहाँ से ए क्या हो गया, भाजक, भाजक बराबर क्या हो जाएगा, बी भाज्य गुना क्यू, क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा भागफल, प्लस शेष क्या हो जाएगा, आर, आर क्या हो जाएगा, शेष। यहाँ से भाजक लेंगे, यहाँ से भाज्य गुना भागफल जोड़ शेष हो जाएगा, समझ आ रहा। तो सबसे पहले इसका मौसम निकाल लेते हैं, 135 से लगाएंगे किसमें, 225 में। हमेशा क्या करेंगे, छोटा से हमेशा बड़ा में लगाएंगे भाग। कितना मर्चे लगाएंगे, एक मर्चे लगाएंगे, 135। अब देखो पाँच में से पाँच गया जीरो, एक पे चलेंगे बारह, बारह में से तीन गया नौ, ये कट जाएगा। उसके बाद फिर मौसा का क्या रूल है, जितना शेष बचता है उसको फिर भाज से लगाते हैं। तो 90 से किस में लगाएंगे, 135 में। फिर कितना मर्चे लगेगा, एक मर्चे, 90 लगेगा। तो पाँच में से जीरो गया पाँच, तेरह में से नौ गया चार। अब फिर 45 से किस में लगाएंगे, 90 में लगाएंगे। तो दो मर्च में लगेगा 90, ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोला। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही हम लोग का सूत्र होता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। सबसे पहले एचसीएफ बोल रहा है तो एचसीएफ पहले निकाल लेंगे, इतना तक निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ई बोल रहा है तो इसके सूत्र पर बैठाएंगे इस सबको, तब हमारा आंसर आएगा। ठीक, अगर ई नहीं बोलता तो यहीं पे मेरा आंसर हो जाता, समझ आया। तो इस पे कैसे बैठाएंगे, सबसे पहले ये टर्म है, इसको बैठाएंगे ए बी क्यू प्लस आर, इसमें खोजना है ए बी क्यू और आर कौन सा हो। ये हमारा हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो बैठाओ इस पे, ये क्या होगा, 225 बराबर बी कौन सा होगा, 135 गुना क्यू कौन सा होगा, 1 प्लस आर कौन सा होगा, 90। और फिर इसमें आएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, क्यू ई हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। अब 135 लिखेंगे, 135 बराबर क्या लिखेंगे, 90 गुना 1 जोड़ 45। अब इसमें आएंगे, इसमें क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, क्यू ई ए हो जाएगा और आर ई हो जाएगा। क्या लिखेंगे, 90 बराबर 45 गुना 2 प्लस, यहाँ पे पूरे कट गया है तो यहाँ पे क्या कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 0, यहाँ पे 0 लिखेंगे। अब जहाँ पे 0 होगा, शेषफल जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे ये वाला मौसा हो जाता है, क्या हो जाता है, यहाँ पे ये भाज्य जो क्या होगा, मौसा हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा। इसीलिए एस सी एफ कितना हो गया, 45, ये हमारा आंसर हो गया।
तो फर्स्ट नंबर बन गया, ठीक। उसके बाद हम लोग सेकेंड नंबर पे आएंगे, ठीक है। फाइनली अब हम लोग सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। आपका प्रश्नावली 1.1 में फर्स्ट हिसाब में 3 क्वेश्चन है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 196 से भागा SCF निकालना है कितना, 38,220 में। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में किए थे अपना लोग, वैसे ही सेकेंड में करेंगे। 196 से 38,220 में 900 लगाना। तो यहाँ पे गुना कर लेते हैं हम, 196 को 195 से करके देखते हैं। 6 × 5 = 30 = 83 × 9 = 45 43 हो जाएगा, 45 × 3 = 48 = 88 हो जाएगा, 5 × 4 = 9 9 × 54 = 5 9 × 81 = 81 81 = 5 हो जाएगा, 86 × 84 = 8 और उसके बाद 9 × 9 = 17 6 × 9 = 1 यहाँ पे 8 × 4 = 12 = 1 हो जाएगा, 9 × 6 = 15 15 × 6 = 21 9 × 6 = 21 21 × 2 = 2 9 × 7 = 16 16 × 2 = 18 18 × 8 = 1 1 × 2 = 2 1 = 3 इतना हो गया। 196 मरते हैं पूरा पूरी आ जाता है, सॉरी 195 मरते हैं 195 मरते हैं 38,220 पूरा आ जाता है। तो पूरा कट जाएगा। अब इसको फाइनली मिटा देता हूँ मैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बैठाएंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम तो क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये क्या हो जाएगा, ए ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू, ये हो जाएगा आर। ये क्या होगा, 38,220 बराबर बी क्या हो जाएगा इसका 96 गुना कितना हो जाएगा 195 आर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 0 जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे यह क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। इसीलिए SCF कितना हो गया 196 आंसर। तो उसके बाद चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप लोग को थर्ड नंबर आप लोग बना के लाइएगा, ये आपका होमवर्क रह गया, ठीक है। इसी प्रकार जिस प्रकार फर्स्ट और सेकंड आप लोग बनाए। तो अगर आपको वीडियो बढ़िया लगा हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में।